जय हिंद वंदे मातरम। अगर इंडिया को 5 सालों में दी टॉप मोस्ट लेवल पे देखना चाहते हो और अपने आप को भी उसके साथ ग्रो करना चाहते हो तो ये 5 जो स्किल मैं बताने वाला हूं ये आपके लिए दी बेस्ट होने वाली है। ये 5 आप मान लो आपके लिए करियर ऑप्शन सबसे बेस्ट है। बाकी सारे भाड़ में जाएं, साइड में रखो सारे, ये 5 स्किल आपके फ्यूचर हैं, तो ध्यान से देखो। और अगर एज ग्रुप 12 to 30 years के बीच में है तो बेस्ट है आपके लिए वीडियो। लर्निंग के लिए ये एज सबसे बेस्ट होती है। तो क्या है मोटो? मोटो ये है कि 5 साल में इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, क्योंकि और कंट्रीज से, बाकी कंट्रीज का जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, इन पे कोई अब बिलीव नहीं करने वाला, बिलीव होगा तो सिर्फ इंडिया पे। तो इंडिया के जो फैन हैं, इंडिया को जो दिल से प्यार करते हैं और जो सच में यहाँ पे रह के यहीं की पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे रह के ये नहीं बोलते कि यहाँ का कल्चर बेकार है, यहाँ पे ओल्ड थिंकिंग है, या फिर यहाँ पर अनहेल्दी पीपल है, इलिटरेट है, सिर्फ और सिर्फ जिनको सिर्फ बोलते हैं ना बुराई करनी आती है, बैड बिचिंग करनी आती है, उनके लिए नहीं है वीडियो। उनके लिए है जो यहाँ से प्यार करते हैं, यहीं पर रह के यहीं पर कुछ करना चाहते हैं, बाहर जाने की अब तो सोचो भी मत। तो वो 5 स्किल कौन सी हैं आपके जो आपको दी बेस्ट बनाने वाली है? पहली स्किल जो है वो है आपकी कंप्यूटर सिस्टम लर्निंग। यस, पूरी स्किल क्या है? देखो, आप जानते हो कि दुनिया के जो 10 टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है, जो 10 सबसे ज्यादा अमीरजादे पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं, उसमें से 5 ऐसे हैं जो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम चलाते हैं, कंप्यूटर्स की मदद से, जिसने सिर्फ कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करके, कोडिंग को अंडरस्टैंड करके, कंप्यूटर से ऑनलाइन मार्केटिंग को स्टडी करके ये साबित कर दिया कि वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है। और अब इंडिया होने वाला है तो इन टॉप 10 में से, अब टॉप 10 नहीं, पूरा टॉप 100 तक सिर्फ इंडिया वाले होने चाहिए। तो सबसे पहले है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर सिस्टम लर्निंग। तो क्या है इसके अंदर, क्या क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? इसके अंदर पहला है कि आप कोडिंग सीखो। कोडिंग में मन नहीं है, कोडिंग वाली लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती, कोई और जावास्क्रिप्ट, पाइथन, इन सब में दी बेस्ट हो जाओ। देखो, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिस्टम यूज करते हैं। हम दूसरे जो देशों ने गेम्स बना दिए, जो दूसरे देशों ने आपके प्रोग्राम्स बना दिए, माइक्रोसॉफ्ट में कुछ बना दिया, तो हम उनको यूज़ करते हैं। अगर हम ये खुद से मैन्युफैक्चरिंग करें तो इंडिया नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है और आप उसके साथ साथ ग्रो करने वाले हो। क्योंकि देखो, इंडिया ग्रो करेगा तो साथ में पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरी की पूरी GDP सब कुछ ग्रो करेगी उसके साथ। तो पहला है कंप्यूटर लर्निंग, क्या क्या कर सकते हैं मैंने आपको बताया, कोडिंग, जावास्क्रिप्ट, आप मार्केटिंग सीख सकते हो कंप्यूटर से, आप ये तक सीख सकते हो कि उसका सॉफ्टवेयर जो इतने इतने हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे हम उनको नया बना सकते हैं, और नहीं तो हार्डवेयर्स। क्योंकि देखो, हम बाहर से पार्ट मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं, कोरिया से मंगाते हैं, जापान से मंगाते हैं, अमेरिका से मंगाते हैं, ये सारे अगर इंडिया में बनने लगेंगे तो भी सबसे बेस्ट होगा। तो सेकंड पे आते हैं, जो दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल आपको कैसे इंप्रूव करेगा, ध्यान से सुनो। देखो क्या होता है कि मान लो कोई अमेरिकन है, कोई जैपनीज है, कोई ऑस्ट्रेलियन में है, अगर वो इंडिया में आए और इंडिया की लैंग्वेज में बात करे तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा फैमिलियर लगता है, हमारी उससे बात करने की ज़्यादा मन करता है। ऐसे ही वो तो कोई एजेंट भी हो सकता है, क्या पता वो पूरी लैंग्वेज सीखा है, पर हम उसे सब कुछ बता देते हैं क्योंकि वो हिंदी बोल रहा है। वैसे ही आपको क्या करना है, दिल से हिंदी रहना है, हिंदी लैंग्वेज, चाहे आप पंजाबी हो, चाहे कुछ भी आप लोकल लैंग्वेज बोलते हो, दिल से वही रहो, बट दूसरी लैंग्वेज ज़रूर सीखो। लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई और ही लैंग्वेज, स्पेनिश सीखनी है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि अगर आप इंग्लिश भी सीख रहे हो तो अमेरिकन इंग्लिश सीखो ना, थोड़ा और वो वाली इंग्लिश अच्छी होगी, अमेरिकन इंग्लिश सीखी हमने। या फिर हम लोग सीख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश कैसे वो बोलते हैं, तो उनके एक्सेंट में अगर थोड़ा बहुत सीख जाए तो और बेटर है। नहीं तो आप सीख सकते हो और दूसरी लैंग्वेजेस, सबसे बढ़िया बढ़िया लैंग्वेजेस मैं आपको बता देता हूँ, चाइनीज सीखो ना, जैपनीज सीखो, कोरियन सीखो, आप स्पेनिश सीख सकते हो, फ्रेंच सीख। तो ये 5 ऐसी लैंग्वेज है जो फ्यूचर है, अगर आप इन सब में कमांड कर लेते हो तो क्या कर सकते हो कि आप उसी देश में जाके वहीं का कल्चर कॉपी करके, वहीं पे कल्चर को कॉपी करके उसको और इम्प्रूव कैसे करना है, ये भी आप बेस्ट कर सकते हो। एक
एग्जांपल देता हूँ, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे को 2 साल हो गए चाइनीज़ पढ़ते हुए। मैं क्या करता हूँ, जहाँ कोई भी फेयर चल रहा होता है, चाहे ऑटोक्स एक्सपो हो, चाहे ट्रेड फेयर हो, कोई भी आपका बड़े से बड़ा कल्चरल मीटिंग हो, उसमें जाता हूँ। कुछ मैं आपको फोटोज़ भी डालूंगा, जैपनीज, चाइनीज़ ये थोड़ी मिलती है, तो इन लोगों से मिलता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत उनसे उनकी लैंग्वेज में बात कर सकूँ। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी और डेप्थ अपनी बताएंगे। जब वो आपस में भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो मैं सुन सकता हूँ, उनकी बातें समझ सकता हूँ कि ये क्या करना चाहते हैं। वो अपनी लैंग्वेज में कुछ पैसे बता रहे होते हैं कि ये इतने रुपए का है, हम इसको इतने में बेचेंगे, तो वो मैं समझ जाता हूँ। उनके फन, उनके माओ, उनके खुआन सारे मुझे पता है, तो वह मैं समझ के और इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। वो जो स्किल लाते हैं, वो जो टैलेंट लाते हैं, वो जो टेक्नोलॉजी लाते हैं, उसको कैसे और इम्प्रूव करके हम उससे बेहतर कैसे बन सकते हैं, ये आप कर सकते हो। तो लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, चाहे आप स्पीकर ही क्यों ना बन जाओ, बहुत अच्छे, पर लैंग्वेज अगर आपने कोई भी सीख ली, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, बहुत अच्छी है। कंप्यूटर भी तो एक लैंग्वेज है, वो सीख लो। तो पहले मैंने आपको बताया था कंप्यूटर्स, दूसरा मैंने आपको बताया है लैंग्वेज, तीसरी बहुत ज़बरदस्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्किल, वो है डिज़ाइनिंग। ये डिज़ाइनिंग कॉपी से स्टार्ट होती है, बचपन में लोग डिज़ाइनिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप क्या कर सकते हो डिज़ाइनिंग में, कॉपी से स्टार्ट कर सकते हो। कंप्यूटर डिजाइनिंग, मैं कंप्यूटर के अंदर वाली बात हो चुकी है, अब आते हैं बाहर उसका लुक कैसे होगा। देखो गाड़ी तो इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी बनती है, आपको पता है टॉप 10 चीज़ों में इंडिया अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मशीन, अपने इंडिया के इंजन बड़े ही फेमस हैं, इंडिया के इंजन बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। पर पता है क्या होता है, ये इंजन बाहर जाते हैं, बाहर सप्लाई होते हैं। हमें ये पता करना है यार ये बाहर क्यों जा रहे हैं, बाहर क्या करते हैं, वो ऊपर का बहुत अच्छा मॉडल बना के ऊपर की अच्छी डिजाइनिंग करके उसे बेचते हैं और वो दोबारा इंडिया में आती है। पंजाब में, बैंगलोर में इतने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, वो यही कर रहे हैं, सिर्फ इंजन बना के बेच देते हैं। अरे क्यों कर रहे हो, इंडिया में क्योंकि अच्छे डिजाइनर नहीं है जो बहुत अच्छी सुंदर डिजाइनिंग, मतलब ऊपर से गाड़ी कैसे दिखेगी, कैसे वो खुलेगी, कैसे उसके अंदर पार्ट्स होंगे, कौन कौन से उसके अंदर स्पीकर, कैसे डिजाइनिंग स्पीकर से लेके पूरी की पूरी एक छोटा सा एक बटन सिस्टम भी है ना, वो डिजाइनिंग करना लोग सीखते हैं। तो एक एग्जांपल दिया है, आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, एक कंप्यूटर का हार्डवेयर से लेके, कैमरे के हार्डवेयर से लेके ऊपर की डिजाइनिंग। आप जानते हो दुबई में लोग जाते हैं, दुबई में कुछ नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए, फिर भी लोग वहां क्यों जा रहे, क्योंकि वहां की जो डिजाइनिंग है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग की डिजाइन है, जो छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने इतनी बारीकी से बनाया ना, मतलब अगर एक वहाँ पे आपका ATM भी है तो उसकी भी डिज़ाइनिंग उन्होंने खुद की है और उसको ऐसा लेवल दिया है कि लोग वहाँ पे जाने पे मजबूर हो गए हैं। तो आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आप आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, किसी भी लाइन में जाके अच्छा काम करो, दिल से सोचो कि ये मैं इंडिया के करने के लिए जा रहा हूँ और मैं ग्रो करूँगा तो इंडिया भी ग्रो करेगी। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, कंप्यूटर्स, फिर लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, और तीसरा मैंने आपको बताया है डिज़ाइनिंग। चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग, दोनों कंबाइन है, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग। देखो GST आ गया, नई नई चीज़ें आ रही हैं मतलब हमारे इंडिया में, और मतलब आप जानते हो इतना पैसा जब इंडिया में आएगा, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो उन्हें अकाउंटेंट्स चाहिए। इंडिया के अकाउंटेंट की है ना पहचान पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का अकाउंटेंट दी बेस्ट होता है क्योंकि मेहनती होता है, उसका ऑडिट सबसे बेस्ट होता है, उसका लेबोरियस है। तो अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग, इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको कि आपको बड़े बड़े कोई कोर्स करने की ज़रूरत है, प्रोफेशनल कोर्स नहीं, आप एक छोटे से स्टार्टअप से, मतलब छोटे से एक सॉफ्टवेयर से लेके एक कंपनी के लिए अकाउंटिंग करते 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 CA कर सकते हो, प्रोफेशन में CS कर सकते हो आप, छोटे छोटे बिल्कुल बोलते हैं ना बेसिक सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग सीख सकते हो, उसके बाद उनकी मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये दोनों स्किल जब होंगे ना, क्योंकि देखो इंडिया के पास अगर गुड अच्छे मार्केटिंग स्किल्स होगी, अच्छी अकाउंटिंग स्किल्स होंगी, तो क्या होगा और ज़्यादा लोग जल्दी जल्दी क्या करेंगे कि चीज़ खरीदेंगे, और इंडिया पे लोग है ना बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे क्योंकि यहाँ का अकाउंटिंग सिस्टम, यहाँ का मनी ट्रांसफ़र सिस्टम इतना अच्छा होगा, और जब इतना पैसे के लेन देन होगा इंडिया में तो अकाउंट्स की सोचो कितनी ज़रूरत पड़ेगी, एक मार्केटिंग स्किल्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे ऑप्शन लोग करते हैं कि लोग पहले इंजीनियरिंग फिर मार्केटिंग करते हैं, लोग CA करके फिर मार्केटिंग करते हैं, और मतलब वो जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और कैसे पूरा फाइनेंस, पूरा टैक्सेस कैसे काम करते हैं। तो ये आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ये आपका 4th स्किल है जो आप अपने अंदर बिल्ड कर सकते हो। और अब 5th दी फाइनल स्किल मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा फ्लो करने वाली, और मैं चाहता हूँ कि इस फील्ड में, इस 5वीं फील्ड में, देखो सारी फील्ड अपने अपने लेवल पर अच्छा है, आप जान लो कि किस में आप अच्छे हो, किस में आपका मन लगेगा। टूरिज्म में अच्छे हो तो कम्युनिकेशन में जा सकते हो, डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, बट ये 5th स्किल
थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने वाली है, पर इसके रिजल्ट बहुत खतरनाक है, वो है मेडिकल लाइन एंड साइंटिस्ट। यस, डॉक्टर, डॉक्टर से रिलेटेड लाइंस या फिर साइंटिस्ट। देखो इंडिया में क्या हुआ, जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो इंडिया के पार्टीशन के टाइम पे ना हमारे देश ने बहुत अच्छे कपड़े बनाती थी, बहुत अच्छे जूते बनाती थी, पर क्या होता है इंडिया ने ध्यान नहीं दिया पता है किस तरफ, थोड़ा सा लेट ध्यान दिया, मान लो APJ अब्दुल कलाम है ना, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया साइंटिस्ट वगैरह की तरफ, तो है ना हम लोग ज़्यादा चीज़ें बना नहीं पाए खुद से, हम लोग क्या करते हैं राफेल बाहर से मंगाते हैं, ठीक है, कोई प्लेन मंगाना है बाहर से मंगाएंगे भैया, कोई एंटीडोट चाहिए पहले वो बाहर से आएगा, तो क्यों इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा वो, तो उसके लिए साइंटिस्ट, रिसर्च और डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको ये पांचवें स्किल इंडिया को और इम्प्रूव करने में, मतलब इंडिया में ही ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एड्स तक का इलाज जानते हैं, तो सोचो कि कितनी ज़्यादा इसकी डिमांड है पांचवी स्किल की। क्या आप साइंटिस्ट बनने के लिए कोई बड़ी आपको नॉलेज नहीं चाहिए, इंजीनियरिंग करो, नॉर्मल BSc करो, थोड़ा सा अपना नॉलेज जगाओ उस तरफ के यार क्या किस चीज़ को कैसे बनाया जाता है, उसको हम और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये पांच स्किल हैं आपके ऊपर। तो मैंने आपको ये पांच स्किल बताई, इन सबको करने के लिए देखो आपको है ना फोकस की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे अंदर अभी 12 साल के लेके 30 साल के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आते हैं लाइफ में, तो इस फोकस को कैसे अपने अंदर बना के रखना है, कैसे छोटी छोटी चीज़ें पानी से, पानी की फ्लो को देखते हुए, उसके स्ट्रीमलाइन फ्लो को देखते हुए कैसे फोकस बढ़ेगा, कैसे कौन सा गेम खेल के फोकस बढ़ेगा, लेफ्ट हैंड से ब्रश करने पे कैसे फोकस बढ़ेगा, और राइटिंग में अलग पैटर्न बनाने से कैसे फोकस बढ़ेगा, मतलब बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप फोकस बढ़ा सकते हो, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। बट जिसने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया मतलब कि ट्रू इंडियन फ़ैन है, तो यार लिखो कमेंट में, और सच में इंडिया के बड़े वाले फ़ैन हो ना, इंडिया को मतलब चाहते हो कुछ बनाना, तो कम से कम एक इंसान के साथ जो सच में आपको लगता है कि डिज़र्विंग है, जो कुछ कर सकता है, जो सच में चेंज ला सकता है, उसके साथ शेयर कर सकते हो, और कमेंट में ज़रूर लिख देना ट्रू इंडियन फैन हो, जय हिंद। और लास्ट बहुत बड़े एक्सट्रीम, अच्छा लगा आपको वीडियो तो शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जय हिंद जय भारत।